अस्सलाम वालेकुम जी छोटों को मेरा प्यार बड़ों को मेरा सलाम। मैं आपका व्लॉगर मोहम्मद उमर संधू। तो यार मैं आया हूँ अभी यूनिफॉर्म लेने। पहले तो मैं गया था बैंक, बैंक से पैसे लिए। यार लोगों की समझ ही नहीं आती, मुझे एक समाजी फासला कहने को दिया है कि यार समाजी फासला रखें 3 फुट का। मैं उधर बैंक में लाइन में लगा पैसे लेने के लिए, अभी समाजी फासला रखा था 3 फुट का। एक आई, एक औरत आई बीच में घुस गई, बाद में एक आदमी आया वो घुस गया। यार समाजी फासला रखने का मुझे तो नुकसान ही हुआ। फिर थोड़ी देर बाद मैंने भी वही हरकत की जो सब ने की। फिर आखिरकार मैंने भी वही हरकत करनी थी। अभी मैं आया हूँ यार यूनिफॉर्म लेने कॉलेज। जैसे कि आपको पता है कॉलेज वगैरह ओपन हो गए, तो आपके भाई के भी कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब कॉलेज तो जाना है। अभी यार यूनिफॉर्म लेते हैं, थोड़ी सी कॉलेज के लिए शॉपिंग करते हैं, फिर चलते हैं घर। देखते हैं पियर कितने का आता है। आता है कोई 10,000 हो, 1200-1300। जनाब अभी अभी होगी मेरी बेइज्जती यार, जिधर ही जाता हूँ ना कैमरे की वजह से बेइज्जती हो जाती है, डीमोटिवेट कर देते हैं लोग इतना, मुझे क्या बताऊँ। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था यार अपनी, उन्होंने पूरी बात सुनी नहीं और आकर मुझे बोलना शुरू हो गया कि तुमने हमारी दुकान। मैंने कहा यार मैं बैंक के बारे में बता रहा हूँ, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये वो ऐसे ही मुझे बोलना इधर स्टार्ट हो गया। लोग बोल ही जाए, अब मज़ा आने लगा है, लोग बातें करें, बोलें मुझे, अब गालियाँ दें मैं, वो मज़ा आता है। अब यकीन करें मज़ा आता है वो व्लॉगिंग करने का, क्योंकि लोग मुझे डीमोटिवेट मज़े के आकर बोलते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे मैं न्यूज़ वाला हूँ। अच्छा यार इस बात को छोड़े तो मैं अभी यूनिफॉर्म लेने आया था, यूनिफॉर्म तो इधर से मिली नहीं। गाड़ी जो वालों का नया तरीका पैसा कमाने का यही है कि यार यूनिफॉर्म भी उन्होंने अपनी शॉप रखी है उधर से लेनी है, और किस कहीं से नहीं मिलेगी। अभी मुझे इधर से कॉलेज के पास जाना पड़ेगा और उधर से यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी। चलो चलते हैं फिर उधर ही 2-3 किलोमीटर। मैं अकेला ही होता हूँ व्लॉगिंग के दौरान, मेरे साथ कोई नहीं होता। और कुछ मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कह रहा था कि यार मुझे ले लिया करे साथ। यार वो बात नहीं है भाई, भाई बस अकेले को दिल करता है, बस ऐसे ही कैमरा उठाया, जब दिल किया कैमरा उठाया और ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, ये मेरा सीन है। तो अभी चलते हैं कॉलेज वालों के पास, उधर जाकर लेते हैं फिर यूनिफॉर्म उनसे। जी तो एक है गुड न्यूज़, एक है बैड न्यूज़। पहले हम बैड न्यूज़ नहीं है इतनी, बस एक न्यूज़ है। पहली न्यूज़ तो ये है, मज़े की न्यूज़ मेरे लिए है कि हमारे कॉलेज अभी ओपन नहीं हुए हैं। अभी अजानें हो रही हैं, अंदर चलता हूँ बाद में बात करता हूँ, अजानें हो रही हैं। अच्छा तो बैड न्यूज़, गुड न्यूज़ आपको मैंने बता दी कि फ़र्स्ट ईयर के जो हैं वो कॉलेज नहीं ओपन हुए हैं हमारे, अभी भी छुट्टियाँ जा रही हैं, तो मेरे लिए अच्छा है। नहीं नहीं यार मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ। अच्छा तो यार फर्स्ट ईयर के लिए ऐसा है कि फ़र्स्ट ईयर अभी ओपन नहीं हुई, फ़र्स्ट ईयर के जब मैट्रिक का रिजल्ट आएगा तो फर्स्ट ईयर ओपन होगी। तो मैंने एक साल मिस किया है, मिस करने की वजह यही थी कि मैं स्किल की तरफ फोकस कर रहा था, अपने काम की तरफ फोकस कर रहा था, तो मैंने इसलिए पूरी स्टडी को ड्रॉप डाउन कर दिया, मैंने कि छोड़ दिया, मैंने कि मैट्रिक का इम्तिहान दिया, उसके आगे मैंने दाखिला लिया मैंने एक साल। बहुत सारे लोग कहते हैं वेस्ट किया, पर मैंने एक साल वेस्ट नहीं किया, वो मुझे पता है मैंने क्या किया क्या नहीं किया। तो मैंने बहुत सारा एक्सपीरियंस एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह, उससे पहले भी एक्सपीरियंस था मेरे काम में, पर अभी भी अब मुझे और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया मेरे काम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन और रेस्ट के मिल गए कॉलेज की तरफ से, और तीसरे नंबर पे कॉलेज की तरफ से तो रेस्ट मिल गई है। और एक तो जो कह लो कॉलेज वालों ने लूटना लिया हुआ ना, वो यार क्या ही बताऊँ मैं आपको। नंबर 1 यूनिफॉर्म मिलना है कॉलेज से, बेल्ट मिलना है कॉलेज से, सिवाय शूज़ के, अगर वो भी उधर से मिलते तो उन्होंने वो भी उधर से देना है। मैंने आज तक कभी भी 1700 या 2000 से ज़्यादा पेयर नहीं बाई किया, पर कॉलेज से 2400 का पेयर मिला पैंट शर्ट, 1200 की उन्होंने पैंट दी और 400 की शर्ट और 400 रुपये की टाई दी। भाई क्या करें, मजबूरी का दूसरा नाम है शुक्रिया, और कॉलेज वाले का शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया नहीं शुक्रिया, कॉलेज वालों का शुक्रिया जो इन्होंने लूटना लिया हुआ है। लूटे लूटे ऐसे ही है, आपने भी इधर से हमसे ही खाना है, और कॉलेज की जो फ़ी है वो भी इतनी ज़्यादा क्या होता है। चलो फिर भी मैंने जितने कॉलेज का इसके साथ कंपेयर किया, इस कॉलेज की फ़ीस कम थी, पढ़ाई तो वही होनी है जो कि आम कॉलेज में होना है, पढ़ना तो हमने खुद ही है, क्योंकि उन्होंने पता है कैसे कॉलेज वाले भी पढ़ाते हैं, अकेडमीज वाले भी। अभी कॉलेज हमारे जो कि वो स्टार्ट है, भाई कॉलेज जाएगा, सिर्फ कॉलेज जाएगा, जब फर्स्ट डे होगा तब आपके साथ तब मुलाकात होगी। तो आज मैंने ये रिकॉर्ड मेरा ढूंढने लगा है कि 4थी वीडियो लगातार, नहीं तो पहले 3 वीडियो आती थी लगातार, बाद में स्टॉप, फिर 3 वीडियो आती थी स्टॉप, अभी ये 4थी वीडियो आ जाएगी। तो भाई बस एक तो मेरा इरादा बनता है कि मैं कॉलेज वालों को
एक तो मेरा पहले इरादा था कि मैं कॉलेज को प्रमोट करूँगा, अपने कॉलेज को प्रमोट करूँगा, अपने कॉलेज के बारे में बताऊँगा, पर नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉलेज में दाखिला लेने गया, मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के साहब से मिला और प्रिंसिपल को जाकर मैं ये कह रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, हाँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं प्रिंसिपल साहब को जाकर कह रहा हूँ कि आपका सर फेसबुक पेज नहीं ठीक बना, उसकी डिज़ाइनिंग नहीं ठीक, उसके बाद आपकी वेबसाइट नहीं ठीक। तो वेबसाइट पर भी बहुत उन्होंने ज़रा सा झूठ वगैरह लिखा है, बुराई मेहरबानी कॉलेज वाले उनको ठीक करें। फिर उसके बाद में जब प्रिंसिपल के साहब से मिला, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ छोटा मोटा, मैं अपने बारे में बताया, तो वो कहते हैं अच्छा इतनी छोटी उम्र में काम नहीं करना चाहिए, ऐसे घर में बैठ जाट कर जैसे भी, कि यार उन्होंने डीमोटिवेट किया मुझे, इतना गुस्सा आया कॉलेज सर पर, तो यार क्या करें, पर वो सर है पर गुस्सा, उन्होंने बात नहीं ठीक की कि छोटी उम्र में पार्ट टाइम, अच्छा पार्ट टाइम जॉब का मैंने, पार्ट टाइम नहीं जॉब, मैं अपने घर में जाकर जॉब करता हूँ। अच्छा जब, अच्छा फर्स्ट ईयर और टेन में जॉब नहीं करनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर क्यों जॉब करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर लोग जाते हैं तो वो बाहर जॉब करते हैं, इससे अच्छा नहीं कि कोई एक्सपीरियंस है 9, 10, 11, 12 में इतना एक्सपीरियंस हासिल हो जाए कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस वो खुद पे करें। अलहमदिल्ला मेरे पास अलहमदिल्ला मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है कि अभी मैं, अब मुझे यकीन है कि 2 साल में इतने मेरे पास पैसे और एक्सपीरियंस है, मुझे नॉलेज इतना और पैसा मुझे इतना हो जाएगा कि अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस मैं खुद पे करूँगा। और ये जो मेरे कॉलेज की फ़ीस है, जो मेरे कॉलेज का खर्चा है, फिर भी अभी भी मेरे घर वालों ने उठाया है, और जितना हो सके मैं खुद अपना खर्चा कवर करता हूँ, मसलन कि जितना हो सके उतना मैं अपने आप का खर्चा कवर करता हूँ। तो बस यार ये था आज का व्लॉग, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।